मुंबई ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जरूर जमानत मिल गई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बयानों की वजह से ये केस सुर्खियों में बना हुआ है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। पिछले कई दिनों से नवाब मलिक लगातार बीजेपी नेता मोहित कंबोज और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। मुंबई ड्रग्स केस में भी लगातार उनके परिवार का कनेक्शन रखा जा रहा था। इस वजह से 9 अक्टूबर को मोहित ने मलिक के नाम एक नोटिस भेजा था। इस नोटिस में जोर देकर कहा गया था कि बिना सबूत के मान हानिकारक बयान देना गलत है, लेकिन नवाब मलिक ने उस नोटिस के बावजूद अपने हमले जारी रखे और 11 अक्टूबर को फिर उनके परिवार पर निशाना साधा। अब बीजेपी नेता ने मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी कर ली है। मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है और उच्च न्यायालय में नवाब मलिक पर 100 करोड़ का मानहानि का केस भी ठोका गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में मोहित ने खुद बताया कि वो बीजेपी के सदस्य हैं और उनका एक कारोबार भी है, लेकिन नवाब मलिक के तथ्यहीन आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।